चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह, एक बड़ी खबर आ रही है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश के राजगढ़ से। गुना से अरुण यादव को उतारेगी कांग्रेस पार्टी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता अब लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार बताइए क्या जानकारी है। देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी मौजूद थी, उस बैठक में जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं के बारे में ये आया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, खुद दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने गुना सीट के बगल की जो सीट है राजगढ़, जहाँ से दिग्विजय सिंह आते हैं, वहाँ से वो पहले सांसद भी रहे हैं, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह ने प्रियव्रत सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनका नाम आगे किया था और उस पर तकरीबन मुहर लग गई थी। लेकिन जब ये संदेश जाने लग गया कि बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, ऐसे में आलाकमान ने दिग्विजय सिंह से कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने हामी भर दी है और सूत्रों का कहना है कि उनका नाम इस सीसी की बैठक में फाइनल हो गया है। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से और अरुण यादव को सिंधिया के खिलाफ गुना से लड़ाया जाएगा। जल्दी ही सूची जारी होगी जिसमें इन दोनों के नाम सामने आ जाएंगे। ठीक है कुमार, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जब ये मैसेज जाने लग गया कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तब अब यहां पर दो बड़े नेता सामने आ रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अरुण सिंह चुनाव लड़ सकते हैं।